2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। ठंड मौसम भी देश के राजनीतिक तापमान को गिरने नहीं दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तंज कसा है। तेजस्वी यादव दरभंगा में एक रैली को संबोधित करने के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहते हैं कि यूपी के लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में मिल रहा है, यूपी के लोगों को नौकरी करने के लिए बिहार आना पड़ रहा है। अब वहां के लोग भी कह रहे हैं कि बाबा सिर्फ घंटा बजवाते हैं और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मंदिर मस्जिद करने से लोगों का पेट नहीं भरता है। बता दें कि तेजस्वी यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है तो समझ रहे हैं नौकरी घंटे बजाने से मतलब पेट भरे वाला है। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए और पूजा पाठ कोई दिखावटी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है कोनो झूठों के टीका लगा के भगवान पहन के हे हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह बयान शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम आने के बाद दिया है। बिहार में बीपीएससी के तहत हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश से कई युवाओं को बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिला। इस बात को लेकर बिहार में सत्ता में काबिज आरजेडी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध चुकी है। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा तेजी से उछाला जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार से नीतीश कुमार को प्रमोट करने की बात की जा रही है, इसलिए बिहार में शिक्षकों की जो भारी मात्रा में नियुक्ति हुई है उस मुद्दा को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने हर रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।